मध्य प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर समूचे प्रदेश के साथ ही नीमच जिले में भी कांग्रेस के पदाधिकारियों ने ब्लॉक तथा तहसील स्तर पर 30 जून को काला दिवस के रूप में मनाया। जिला कांग्रेस ने शिवराज सरकार के मंगलवार को 100 दिन पूरे होने पर इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाया है। इस दौरान शहर के गांधी भवन में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेसियों ने अपने हाथों पर काली पट्टी बांधकर काले झंडे लगाकर 100 दिन पूरे होने का विरोध जताया और सभी स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश में काबिज शिवराज सरकार पर धन बल के आधार पर सत्ता में काबिज होने के कई आरोप अपने संबोधन के दौरान लगाए। इस दौरान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अजीत कांठेड़ ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि भाजपा द्वारा अपने केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर धन बल के आधार पर लोकतंत्र की हत्या का षड्यंत्र रचकर कमलनाथ सरकार ने अपहरण किया। ऐसी शिवराज सरकार को 30 जून को 100 दिन पूरे हो रहे हैं। अजीत कांठेड़ ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या करने वाली शिवराज सरकार कोरोना काल में आम जन को कोई राहत नहीं दे पाई। उन्होंने कहा कि धन बल के बल पर सरकार तो बना ली, लेकिन मंत्रिमंडल को लेकर आए दिन विवाद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में फजीते के चलते अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार तक नहीं कर पाए हैं। हुआ था कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में और राहुल जी के मार्गदर्शन में हमने मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा और मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह जी की सरकार को खड़ा करके कमलनाथ जी के पक्ष में कांग्रेस के पक्ष में जनादेश दिया। कांग्रेस का बहुमत आया और कांग्रेस की सरकार बनी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। पूरा देश जानता है कि जब शिवराज सिंह जी ने सरकार छोड़ी तो खजाना खाली छोड़ दिया। उनको खुद को भी इस बात का भय था कि सरकार जो है उनकी बन नहीं रही है, तो कांग्रेस अगले 5 साल ढंग से नहीं निकाल पाए इसलिए खजाना खाली करके छोड़ा। मगर कमलनाथ जी ने अपने कुशल नेतृत्व से जो सरकार चलाना शुरू करी, उन्होंने पहली किस्त में लाखों किसानों के कर्जे माफ़ किए, दूसरी किस्त में आधी विधानसभाओं के कर्जे माफ़ किए, बिजली के बिल 100 रुपये कर दिए, निराश्रितों की पेंशन 300 रुपये से 600 रुपये कर दी। जिस मजबूती के साथ उन्होंने सरकार चलाना शुरू करी उसका असर दिल्ली में आया। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को लगा कि यदि कमलनाथ जी की सरकार साल भर और रही तो भविष्य में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की संभावनाएं खत्म हो जाएगी। तो जैसा शिवराज सिंह जी ने खुद ने कहा है कि केंद्रीय नेतृत्व ने उनको निर्देश दिया कि यह सरकार गिराओ। केंद्रीय नेतृत्व कौन? माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और जेपी नड्डा जो इनके पार्टी के अध्यक्ष है, इन सब लोगों ने मिलकर के शिवराज सिंह जी से मिलकर के एक षड्यंत्र रचा। इन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को केंद्र में मंत्री बनाने का लालच दिया, उनको राज्यसभा सदस्य भाजपा के कोटे से बनाने का लालच दिया और उनके कोटे के और उनके जुड़े हुए जो 22 कांग्रेस के विधायक थे उनको धन का, पद का और लालच दे करके उनको जो है कांग्रेस से तोड़ करके बीजेपी में मिलाया। हिंदुस्तान के लोकतंत्र में ऐसा पहली बार हुआ कि एक चुनी हुई सरकार के 22 विधायकों को केवल कुर्सी का, पैसे का लालच देकर के उनको तोड़। हम काला दिवस इसलिए नहीं मना रहे हैं कि शिवराज सिंह जी को 100 दिन हो गए। हम काला दिवस इसलिए मना रहे हैं कि कमलनाथ जी की सरकार को गिराए ने 100 दिन हो गए, इस बात के लिए हम काला दिवस मना रहे हैं। शिवराज सिंह जी के 100 दिनों की तो कोई उपलब्धि है ही नहीं। रोज देख रहे हो आप, कल घोषणा थी कि आज मंत्रिमंडल का गठन होने वाला है और आज वापस आ गया कि कोई गठन होने वाला नहीं है। रोज आपस में लड़ रहे हैं, कट रहे हैं और इन 100 दिनों में तो कोई उपलब्धि है ही नहीं। बल्कि सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि इन 100 दिनों में कोरोना प्रकोप से मध्य प्रदेश की जनता की जो मदद करना चाहिए थी, शिवराज सिंह जी की सरकार पूरी तरह असफल रही है। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों ने अपने बलबूते पर अपनी तकलीफों से, इस बीमारी से, प्रकोप से जो है जीत हासिल करी है।